नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की आने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi प्लस के बारे में। दोस्तों ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है ड्यूल टोन में। आज हम इसकी प्राइस के बारे में और इसकी पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एंड तक हमारे साथ बना रहिएगा। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल में। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास से लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर आपको हर नए नए गाड़ी के अपडेट कुछ इस तरीके से ही मिलते रहें दोस्तों। और आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, डबल की मिलती है आपको लॉक अनलॉक के साथ में। और ये अगर इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग लगभग 9,70,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। चलिए तो इसके फ्रंट से यहाँ आपको इसमें हेडलाइट सेटअप की बात करें तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इसमें हाई बीम और लो बीम में। यहाँ व्हाइट कलर की आपको DRL भी देखने को मिलेगी, डे नाइट DRL। इंडिकेटर मिलता है आपको इसमें हेलोजन बल्ब के साथ। और काफ़ी बिग साइज़ की आपको ब्लैक कलर ग्रिल देखने मिलेगी, सुजुकी का लोगो वो फ्रंट में मिलती है, क्रोम गार्निश एसेंट में नंबर प्लेट्स की जगह। और टॉप मॉडल है तो आपको इसके अंदर फोग लैंप्स भी आपको देखने मिलेंगे दोस्तों इसमें, टोंगो का कनेक्शंस। और ये बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की तो आपको जो मिलता है मैक पर्सन स्टार्ट कोल स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट में। और आपको यहाँ पर ड्यूल जेट देखने को मिलेंगे, ड्यूल वॉशर जेट, और डबल ही आपको वाइपर्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह की। फ्रंट विंड स्क्रीन ड्यूल टोन में आएगी दोस्तों, वाइट एंड ब्लैक में, ये ZXi प्लस मॉडल। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। और अब बात कर लेते हैं इसके टायर की तो आपको यहाँ मिलता है 185/65 और 15 इंच के टायर ड्यूल टन कट अलॉय व्हील के साथ में। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और यहीं पर अगर इसके ओआरएम की बात की जाए तो आपको ब्लैक कलर के ऑटो फोल्डेबल ओआरएम मिलेंगे विथ टर्न इंडिकेटर LED के साथ में। बॉडी कलर ही इसके डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, रिक्वायर्ड सेंसर ए पिलर बी पिलर ब्लैक कलर के ही मिलने वाले हैं। पीछे का डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के देखने को मिलेगा। और पीछे की बात की जाए तो आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा पीछे की तरफ, छोटा सा एंटीना। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका पीछे का लुक। और यहीं पर अगर इसके टेल मिनट की बात की जाए तो LED सी टाइप सिग्नेचर टाइप में आपको LED टेले मिलने वाली है, स्टॉप लाइट में मिलने वाली LED और रिवर्स में। और इंडिकेटर में आपको एलिजन बल्ब देखने को मिलेगा। यहाँ पर बॉडी कलर ही बम्पर देखने को मिलेगा पीछे का, चार इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, ये मिलती है नंबर प्लेट की जगह। और रिवर्स कैमरा भी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बेसिंग देखने को मिलेगी। रियर में आपको वाइपर्स मिलता है और डिफोगर भी देखने को मिलेगा। यह मिलती है इसमें हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प। और यहाँ पर इसका वॉशर जेड भी देखने को मिलेगा पीछे की तरफ, ड्यूल टोन में है ये टॉप एंड वेरिएंट। यह मिलता है टोइंगो कनेक्शंस। और रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको इसमें टोर्शन बीम विद कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा रियर सस्पेंशन में। और अब इसका बूट ओपन करते हैं। यहाँ से दो आपको यहाँ पर मजबूत रियर शॉक एब्जॉर्ब देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक। और कंपनी आपको इस मॉडल में पार्सल ड्राइव ऑफर कर रही है। और ये अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो लगभग 268 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। और यहाँ पर तो मिलती है अपना जेक और जेक रोड रखने की जगह। गाड़ी डिलीवर करेगी कंपनी तो आपको यहाँ पर सब कुछ सेटअप करके देगी दोस्तों। और नाइट मोड के लिए आपको एलिजिबल के साथ लाइट दी गई हैं नाइट मोड के लिए। यहाँ पर आपको हुक्स भी दिया गए हैं और नीचे ही मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील। तो आपको यहाँ पर 14 इंच का स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा 165/80 14 इंच का। और यहाँ पर मिल जाती है इसकी फ्यूल फिलर कैप। और ये अगर इसके फ्यूल टैंक क्षमता की बात की जाए तो 37 लीटर की कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके डाइमेंशंस की तो आपको इसकी लंबाई मिलने वाली है 3,845 mm,
चौड़ाई मिलने वाली है 1735 mm और ऊंचाई मिलने वाली है 1530 mm। वहीं अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 2450 mm का आपको यहाँ पर इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 163 mm का यहाँ पर आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सिक्स कलर ऑप्शंस में आती है स्विफ्ट। सामने कलर देख सकते हैं, ये इसका है पर्ल आर्कटिक वाइट कलर। ग्लोबल एनसीएफपी के द्वारा से 2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से ओपन करेंगे, साइड डोर टाइम देखेंगे, पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर है। इनर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलने वाला है, येलो का अनलॉक ऊपर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके पावर विंडो कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड का ऑटो है, ये लॉक अनलॉक है, ये इसके ओआरएम के कंट्रोल्स, फोल्डेबल, आप यहीं से इसे फोल्ड कर सकते हैं ऑटोमेटिक। लेफ्ट हैंड राइट कंट्रोल्स, यहाँ मिलता है सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल आपको, ये स्पेस मिल जाता है, ये सॉफ्ट टच, 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस, और यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, स्पीकर्स, और कुछ इस तरीके की सीटिंग मिलने वाली है आपको हेडरेस्ट के साथ, और सीट को आप यहाँ से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। फ्यूल फिलर कैप ओपन करने के लिए यहाँ से कंट्रोल मिल जाता है नीचे से, पेडल्स, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के कंट्रोल्स, और यहाँ पर मिल जाता है आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कवर्स, लेदर रेप्ड स्टीयरिंग व्हील कवर मिलता है, इधर मिल जाता है आपको इसकी म्यूजिक सिस्टम्स के कंट्रोल्स, ये कॉल अटेंड कनेक्टिविटी कंट्रोल्स सारे आपको, वॉइस कमांड भी, और इधर मिलते हैं क्रूज कंट्रोल्स, सुजुकी का लोगो, और इसके चारों तरफ देखेंगे सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा आपको, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा आप देख सकते हैं, और स्टीयरिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से टेल से, टेल एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है आपको। हेडलाइट यूनिट कंट्रोल्स इधर मिल जाता है, वाइपर्स कंट्रोल्स फ्रंट एंड रियर के, और यहाँ से करते हैं ऑन, और सामने देखेंगे इसका क्लस्टर, इधर इसका ऑडोमीटर मिल जाता है यानी कि आरपीएम मीटर, और इधर ही इसका टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 0 से 220 की स्पीड मिलेगी, और इधर ही मिल जाता है इसका फ्यूल लेवल गेज, पीछे मिलता है कलर्ड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसमें काफ़ी इसमें फीचर्स भी देखने को मिलेंगे आपको, इसमें कई सारे वार्निंग लैंप्स भी आपको मिलने वाली है, इसमें ब्लैक कलर का पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका एक एयरबैग यहाँ देखने को मिलेगा, एक स्टीयरिंग मिलेगा आपको, दो एयरबैग मिलते हैं, ये मिलता है सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल, वेंट्स, हेजार्ड के कंट्रोल्स, और यहाँ मिलता है इसका ग्लो बॉक्स, और काफ़ी स्पेस मिलता है इसका ग्लो बॉक्स में, आप यहाँ देख पाएंगे ये साइड डोर ट्रिम कुछ इस तरह की दिखाई देती है, मजबूत हैंडल्स पकड़ने के लिए, और ये आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट प्ले स्टूडियो, वॉइस कमांड, स्मार्टफोन कनेक्ट, रिमोट कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम विथ लाइव ट्रैफिक अपडेट्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, FM, ब्लूटूथ, USB बॉक्स, कई सारे सिस्टम आपको इसमें साथ साथ देखने को मिलेंगे, और उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि ब्लैक पियानो का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर देख पाएंगे आपकी यहाँ मिलता है इसका ऑटोमेटिक अलाइनमेंट कंट्रोल्स, फ्रंट इंटीरियर, यहाँ से इसकी ब्लॉक की स्पीड सेट कर सकते हैं आप यानी पेन की, हम डिस्प्ले में देख पाएंगे नीचे ऑटोमेटिक है, ये मोड्स है, आप इसके मोड्स नीचे अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं, ये एसी ऑन ऑफ का ऊपर, ये है एसी ऑन, और ये हॉट एंड कोल्ड के लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठंडा और गर्म के लिए, और यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, और एक है यूएसबी का सॉकेट, कंपनी आपको यहाँ ऑफर कर रही है, और नीचे आपको यहाँ जगह मिल जाती है अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी रखने के लिए, और यहाँ आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलेंगे, गियर नो 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स की, उसके चारों तरफ आपको सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा, सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक लीवर, यहाँ पर सीट बेल्ट्स, और यहाँ पर सनवाइजर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर टिकट होल्डर देखने को मिलेगा सनवाइजर में, इधर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी जरूर देखने को मिलेगा,
ये मिल जाती है इसकी रूफ लाइट हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पर उसका माइक मिल जाता है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल आपको अब इसका IRM भी देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में, यहाँ से ओपन करते हैं, उसके रियर डोर ट्रिम देखेंगे, वही ब्लैक कलर का इंटीरियर है पूरा, क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर इसका इंजन हैंडल मिलेगा। ऊपर मिलता है लॉक एंड लॉक, ये पावर एंड डोर कंट्रोल्स, यहाँ स्पेस मिल जाता है, यहाँ 1 लीटर का बोटल होल्डर स्पेस और स्पीकर्स देखने को मिलेगा। और सीटिंग की बात की जाए टोटल 5 सीटर आती है ये। पीछे भी आपको इसमें हेडरेस्ट देखने को मिलेगा सीटों पर, सीट बेल्ट, और लेग रूम की बात की जाए तो काफ़ी स्पेस मिलता है इसके लेग रूम में, देख सकते हैं आप लेग रूम और हेड रूम में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे पीछे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड होल्डर स्पेस मिलता है छोटा सा, और ये ओनर मैनुअल जेक टूल किट वगैरह ये सब आपको गाड़ी डिलीवर का नंबर कंपनी द्वारा दिए जाएंगे दोस्त। ये मजबूत ग्रैब हैंडल इसी तरह मिल जाता है पकड़ने के लिए, 3 टोटल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए। और इस तरह का व्यू आता है इसका डैशबोर्ड का। और इस म्यूजिक सिस्टम के साथ में आपको 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ में। 4 मॉडल आते हैं सुजुकी स्विफ्ट में, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और सामने जो मॉडल देख सकते हैं ये इसका है ZXi प्लस टॉप एंड वेरिएंट। और करते हैं इसका बोनट ओपन, यहाँ से इसका बोनट ओपन करते हैं और अब दिखाते हैं इसके इंजन आपको। वहीं अगर इसके इंजन की बात की जाए तो आपको यहाँ मिलने वाला है के सीरीज ड्यूल जेट VVT 1197 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 89 HP का पावर व 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये 5 स्पीड मैनुअल व ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। और यहाँ अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो 22 किलोमीटर कंपनी इसमें माइलेज का दावा करती है इस ZXi मॉडल का। पेट्रोल व CNG दोनों में उपलब्ध है ये। हाँ तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi प्लस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।